आप सबको मारा राजस्थान रो प्यार भरो प्रणाम। रेडियो मधुबन रा तीसरी वर्ष गांठ माथे सारू मैं आप लोगों ने गंभीर देखो बिल्कुल कोनी चाहूं। मन नहीं लगे कि मारा सामने कोई रोबोट बैठिया। बाबा का हंसता खेलता टाबर हो आप। मारा गांव को एक छोटो सो वाक्य एक मिनट में कहूं। मारा गांव का कुआं में एक बालक पड़ी गयो धड़ाम। सब लोग देखवा सारू इकट्ठा हो गया पर वह बालक ने कोई काटे को नहीं। अतरा में एक धमाको भी हो एक आदमी वह बालक ने गोद में लेन बाहर निकलियो तो गांव का लोग फूल माला लेन वन आया। भाई धन्यवाद तू ही टाबर ने बचायो। वो क्यों टाबर ने बचायो यो तो ठीक है फेलिया बताओ मैंने धक्को कुनी दी दो। आज मैं वह मोड़ पर आ गया हाँ जटे सेवा करबा सारू कोई तैयार कोने। कोई जबरदस्ती वाने धक्को दे दे तो उस सेवा में चालू हो जावे। बाबा का घर में भी माने ऐसा धक्का बहुत देना पड़े। ऐसा धक्का सारू राजस्थानी राई मीठा सा उत्सव का मायने जटे ढोला मारू चूरमा बाटी दाल गणगोरिया झूला झूलता टाबर बांकड़ली मूछा रेत का धोरा प्रताप रो बलिदान पन्ना धाय और गोरा बादल लो त्याग और मीरा का भजन सु आज मैं आपको स्वागत करूं छू। और मारा मायने राजस्थानी का हो सके कविता बेन कलेक्टर साहब मारा राजस्थानी निनी सुन सके तो मैं कुछ हिंदी में भी आपनो माहौल बनाबा सारू। एक बात या निवेदन कर रही हूं आज इस तीसरी वर्ष गांठ के उपलक्ष में मेरे पास ये नन्ने नन्ने बच्चे बैठे हैं कुछ युवान बैठे हैं। कविता दीदी मैं आपके सम्मान में निवेदन करता हूं जिस दौर में गुजर रहे हम रहते कहां हैं जज्बे शौके शहादत का क्या कीजिए। हमने तो हथेली पे सर ले लिया मरने से आखिर कहां तक डरे कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। जिस दौर में आप जी रहे हैं आइए इस वेकुंठ में आपका स्वागत करता हूं। और इस जिले के सम्मान्य कलेक्टर साहब के निवेदन में एक बात कह दूं मुझे बाबा के प्यारे प्यारे अंकुर पूरे देश में एक डायलॉग बोलता हूं मैं निवेदन चाहूंगा। मैं कितना बोला ये काउंट नहीं होता पर मैं एक डायलॉग से इस तीसरी वर्षगांठ पर आपका अभिनंदन करता हूं। किन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। आज जो संस्कारहीनता हमारे सामने आ गई है मैं चाहूंगा एक शेर के जरिए मैं आप सबका पुनः अभिनंदन कर दूं। प्रोग्राम बहुत लंबा है। बाबा कहते हैं संस्कृति के मूल्यों में आपका सहयोग बहुत जरूरी है जैसे किसी चांद में एक तारे का होना जरूरी है। आज समाज को मेरे बाबा की और मेरे बाबा को समाज की बहुत जरूरत है। वाणी को विश्राम देते एक शेर से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। साथ जब से तुम्हारा नहीं है चांद के साथ जैसे तारा नहीं है। इश्क करना है तो सोच लेना इश्क करना है तो सोच लेना इस नदी का किनारा नहीं। मैं ध्यान चाहूंगा अब भाई अमित जी को वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।